सीओ हिमाचल प्रदेश और सीओ केरल के स्टूडेंट्स एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू होंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत केरल सीओ के 60 स्टूडेंट्स का दल धर्मशाला पहुंचा, वहीं सीओ हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स का दल केरल गया है। दोनों राज्यों के सीओ स्टूडेंट्स 8 मार्च तक एक दूसरे राज्य की संस्कृति के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। सीओ हिमाचल प्रदेश और सीओ केरल के स्टूडेंट्स एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू होंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत केरल सीओ के 60 स्टूडेंट्स का दल धर्मशाला पहुंचा, वहीं सीओ हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स का दल केरल गया है। दोनों राज्यों के सीओ स्टूडेंट्स 5 से 8 मार्च तक एक दूसरे राज्यों की संस्कृति के बारे सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। सीओ हिमाचल प्रदेश के कुलपति डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री स्वागत समारोह की अध्यक्षता की। 6 मार्च को छात्रों का दल कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का दौरा कर कृषि संबंधी जानकारी हासिल करेगा। इसके बाद छात्र शोभा सिंह आर्ट गैलरी का भ्रमण करेंगे। 7 मार्च को दल धर्मशाला के निकटवर्ती गांव घेरा का दौरा कर हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण परिवेश की जानकारी हासिल करेगा। इसी दिन दल के सदस्य धर्मशाला स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भ्रमण करेंगे और इसके बाद पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज जाएंगे। 8 मार्च को ये दल केरल लौट जाएगा। 8 मार्च को केरल सीयू के स्टूडेंट्स वापस लौट आएंगे। केरल सीयू की छात्रा मीनाक्षी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम एकता में अनेकता का प्रतीक है। हम देश के निचले स्थान से हैं, यहाँ आने पर भव्य स्वागत हुआ जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। ये मेरा पहली बार है पर मैंने उत्तराखंड में पढ़ाई की है, यूजी अपना उत्तराखंड में कंप्लीट किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी अनेकता में एकता। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब यही है कि हर व्यक्ति एक दूसरे के बारे में जाने। हम केरल से आए हैं बहुत ही नीचे से, अगर हम जियोग्राफिकल देखें मैप तो हम बहुत नीचे से आए हैं और जो हिमालय है वो जाना जाता है कैलाश पर्वत के नाम से हिमालय, तो हम शिव शक्ति को जोड़ने आए हैं शिव से। सो दिस इज़ अ एक भारत एंड श्रेष्ठ भारत अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि शिव शक्ति का मिलन जहाँ होगा वहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत जरूर हो जाएगा। बहुत सबसे पहले तो मैं इधर आई, फूड बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था ये लोगों ने और इधर आके जो वेलकम किया गया हमारा सबसे पहले चंदन के साथ जो मुझे मेरी भूमि की याद दिलाता है, तो ये बहुत ये महाकाल का एक दान है हमारे लिए कि एक चंदन के रूप में, तो ये जितना इन्होंने अरेंज किया हमारे लिए सारा अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है। पूरा वेलकम बहुत अच्छा था, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था पर इन्होंने हमारे आशा से ज़्यादा काम किया है और हम बहुत खुश हैं। हिमाचल एक देख के ही लगता है, सुन के ही लगता है हिम आंचल, मतलब कि एक आंचल जो भारत द्वारा दिया गया है, भारत माँ द्वारा दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश मेरे लिए एक ड्रीम था, मेरा सपना था धर्मशाला घूमना और आज मेरे लाइफ में जब मैं 23 साल की हो गई तो मैं उस जगह पर आ पाई हूँ जो मेरा सपना था, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि मैं धर्मशाला देख पा रही हूँ। सीओ हिमाचल प्रदेश के बीसी प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने कहा कि भारत सरकार ने स्टूडेंट्स को एक दूसरे राज्य की संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम शुरू किया है। ये राष्ट्रीय एकात्मकता का महान यज्ञ है, राष्ट्रीय एकता को इस कार्यक्रम से सुदृढ़ता मिलेगी। भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों के विद्यार्थी युवा एक दूसरे प्रांत में जाकर वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के इतिहास का, वहाँ के मुख्य स्थानों का अध्ययन करें। उस दृष्टि से केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र हमारे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में आए हैं और जहाँ के छात्र केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय में गए हैं। मैं समझता हूँ कि एक राष्ट्रीय एकात्मता का बहुत बड़ा यज्ञ है और उसमें सहायता मिलेगी और शायद कुछ विद्यार्थी संगठन इससे पहले भी ऐसा कार्यक्रम करते रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के कुछ छात्र हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में आते थे, शायद आप भी आते हैं और वहाँ के लोगों के घरों में एक दो दिन ठहरते हैं, फिर जहाँ के छात्र उधर जाते हैं वहाँ के घरों में ठहरते हैं। तो ये जो एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता का अभियान है, इस नए कार्यक्रम से उसको और सुदृढ़ता मिलेगी। तो केरल के विद्यार्थी जहाँ रहे हैं उनका सभी का स्वागत है। हमारे विद्यार्थी वहाँ गए थे तो केरल के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं, वहाँ का डांस है, वहाँ के लोक कथाएँ हैं, लोक नृत्य हैं, वो यहाँ प्रस्तुत करेंगे और हमारे विद्यार्थी जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो वहाँ प्रस्तुत करेंगे। 32 लड़कियां और 18 लड़के वहां से केरल से आ रहे हैं, दो उनके टीचर भी आ रहे हैं। वैसे भी हिमाचल और केरल का बड़ा पुराना रिश्ता है, केरल को हिस्ट्री में परशुराम की धरती कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश परशुराम का जन्म स्थान है, क्योंकि रेणुका में, हिमाचल प्रदेश रेणुका में परशुराम की माता का स्थान है और जमदग्नि और रेणुका उनके माता पिता थे, वो हिमाचल प्रदेश के रेणुका में स्थित है।
तो ये हिस्टोरिकल गठबंधन है उसको दोबारा मजबूत किया जा रहा है। पाँच दिनों के लिए रुकेंगे हम, उनको जहाँ के कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट दिखाएंगे, कुछ ऐतिहासिक स्थान दिखाएंगे, कुछ पर्यटक स्थान दिखाएंगे, गांव में ले जाएंगे, कांगड़ी धाम खुलवाएंगे, कल्चरल कार्यक्रम करेंगे, इंटरेक्शन होगा, मिलने बैठने का मौका मिलेगा, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे।